सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो विद द न्यू फ्रेश व्लॉग। सो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत ही बढ़िया होंगे, एकदम मज़े होंगे। तो जी, आज के व्लॉग को करते हैं थोड़ी सी भीड़ के साथ, क्योंकि जाम लगना थोड़ा सा आम हो चुका है अब। और भाई, करते हैं वीडियो को स्टार्ट अपनी RS 200 के साथ। क्या बात है, मतलब करते हैं आज की वीडियो को स्टार्ट अपनी RS 200 के साथ। बहुत ज़बरदस्त भाई, क्या बात है। तो उत्तराखंड परिवहन पहले निकालते हैं, क्योंकि अब क्या है ना, जो बस स्टैंड वगैरह थे वो सारे इधर की साइड हो गए हैं अपने। तो जो मेन बीच में थे, जो सिटी के अंदर थे ना, वो सब बंद होने वाले हैं। बाकी ये इधर की साइड आ जाएंगे, तो थोड़ा सा दूर पड़ेगा लोगों के लिए भैया बस स्टैंड का आना जाना। तो ये है भाई, और भीड़ तो तुम आप देख ही सकते हो कि कितनी ज़्यादा हो रही है। और गड्ढे का तो बस पूछो ही मत। रोड कम, गड्ढे ज़्यादा दिखाई देते हैं। ये यहाँ की नहीं है, हर जगह की बात है ये अपने, क्योंकि भैया गड्ढे रोड बनाने में जब लगती है ना, जब बनने लग जाते हैं रोड, तो होता क्या है कि भाई गड्ढे पहले लगा देंगे। मतलब सो के लोग जागते हैं कि भाई कोई लाइन बिछनी थी या कुछ होना था, ये तब नहीं दिखती इन लोगों को। जब रोड पूरी तरीके से बन जाती है ना, उसके बाद फिर इनके दिमाग में बात आती है, अरे हाँ लाइन तो बिछनी थी, वहाँ तो पाइपलाइन बिछनी थी, वहाँ तो ये तार निकलना था, ये होना था। तो तब इन लोगों को याद आती है ये सब चीज़ें। तो इसलिए गड्ढे भैया होते ही होते हैं नई रोड पे वो भी। सो जी, आज अपनी RS 200 को चेक भी कर लिया गया है कि जो पहले इसमें जो ऑयल लीकेज की जो प्रॉब्लम हो रही थी ना, वो पूरी तरीके से फिक्स हुई कि है, नहीं हुई है या नहीं हुई है। तो वही चीज़ आज मैंने चेक करी है, तो अभी तक तो इसमें कोई भी ऐसा मेरे को इश्यू दिखाई नहीं दे रहा है बिल्कुल भी कि ऑयल वगैरह लीक हो रहा, क्योंकि मैंने पैकिंग वगैरह भी, जो इसकी गैसकेट होती है वो भी चेंज करवा दी थी। और जो उसमें बस एक इशू बस आ रहा था, जो बोल्ट की तरफ से या तो जो स्क्रू होता है ना, तो वहाँ की तरफ से ऑयल वगैरह निकल रहा था, तो उसमें से एक कोई बॉन्ड वगैरह आता है, तो उसने सर्विस सेंटर पर से ही मैंने करवाया था, तो वहाँ पे बॉन्ड वगैरह लगा देते, जिससे कि अभी तक तो मुझे नहीं लगा अभी तक कोई ऑयल वगैरह का रिसाव वगैरह या फिर लीकेज वगैरह। तो पहले जब भैया जब ये चीज़ शुरू हुई थी, जब ये इशू जब शुरू हुआ था भाई, बहुत ज़्यादा मेरे को इरिटेशन हो गई थी इस चीज़ से कि भाई ये चीज़ ठीक होगी भी या नहीं होगी। तो कहीं ना कहीं मेरे को लग रहा था शायद इसका जो क्लच का जो कवर है, ये कहीं यही ना ख़राब हो गया हो। तो खैर, ये वाली चीज़ सही बिल्कुल ठीक हो गई है, तो कहीं से भी ऑयल लीकेज का कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी इशू अभी तक तो नहीं दिखाई दे रहा है। आगे अगर दिखाई देता है तो वो अलग बात है। तो बहुत टाइम मैंने इस चीज़ को फेस किया है, इस इशू को फेस किया है कि भैया हर थोड़े दिन में, हर मतलब दो तीन महीने में ये वाली चीज़ वापस आने लग जाती थी। तो कितनी बार मैंने इसको फिक्स भी कराया, खुद भी मैंने वो एक बॉन्ड आता है वो भी लगा के देखा, तो उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा। दो तीन बार मैंने लोकल मैकेनिक को भी दिखाई, तो बस वो थोड़ा सा जो एक बोलते हैं ना खैरात, एक होती है, एक दुकान होती है, तो उसमें मतलब शॉप होती है, उसमें जो भी है पार्ट्स वगैरह होते हैं, तो उसको लेबल में लिया जाता है अगर वो कहीं इधर उधर हो रहा हो। तो जहाँ पे इंजन वगैरह बनता है, तो वैसे तो ज़्यादातर लोगों को पता ही होगा खैरात वाले की दुकान, तो वहाँ पे भैया गया था इसका क्लच कवर। तो वहाँ दो बार मैंने इस चीज़ को भिजवाया, जहाँ पर मैंने अपनी बाइक को सही करवाया था लोकल शॉप पर, तो वहाँ से भी कोई बढ़िया वो नहीं दिखाई दिया मेरे को। तो भैया देखो, मेरे सामने जा रही है इलेक्ट्रिक बाइक, और ये रिवोल्ट की है, तो आने वाले टाइम में भैया इलेक्ट्रिक बाइक का ही ज़माना है। तो बस आने वाली जनरेशन पता नहीं इन चीज़ों को एंजॉय कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, अब तो भैया ये वक्त ही बताएगा। क्योंकि ये वाली जो चीज़ है ना भाई, पेट्रोल से चलने वाली जो गाड़ी है ना, वो अलग ही लेवल की है भाई। उसका जो पिकअप, उसका जो एक पावर, एक फील जो है ना भाई, वो बहुत ही गजब का है। तो होप आने वाले जनरेशन को ये वाली चीज़ चलाने को मिल पाए।
क्योंकि पेट्रोल भी देखो बहुत जल्दी ख़त्म हो रहा है। अभी BS7 मॉडल आ गया है, तो कोई इथेनॉल करके एक वो है ऑयल है, तो वो उससे चलेगी। पेट्रोल का थोड़ा सा ये है कि कोई नई चीज़ आने वाली है, तो भैया देखो इनोवेशन तो हो ही रही है सारी चीज़ों में, क्योंकि बैटरी वाली चीज़ों पे इतना ज़्यादा भरोसा नहीं कर सकते हैं। क्योंकि देखो चार्ज के मामले में चलो चार्ज हमने कर लिया, लेकिन वो रेंज वो कवर तो नहीं दे पाएगी, और कहाँ कहाँ इसके क्या नाम है चार्जिंग के सपोर्ट मिल पाएंगे हम लोगों को, ये भी चीज़ देखने वाली हो जाती है। इलेक्ट्रिक बाइक अपनी अपने सेगमेंट में है तो अच्छी, लेकिन भाई कुछ चीज़ें अलग ही सही होती हैं। जैसे कि भैया देखो पेट्रोल वाली बाइक है जैसे अपने पास है, तो इसमें पेट्रोल डलवाया तो आपको ये पता है कि आपका पेट्रोल कब ख़त्म होने वाला है और कब क्या ज़रूरत पड़ने वाली है, और ऑयल ये सब चीज़ें मैटर कर जाती हैं। तो भाई इलेक्ट्रिक बाइक में थोड़ा सा इस चीज़ को अभी कहना चाहिए ना कि अभी भरोसा नहीं कर सकते उस चीज़ के ऊपर। है तो वैसे बहुत अच्छी रिवोल्ट की एक बिल्कुल फुल फेड बाइक आई है, वो भी बहुत कमाल की लग रही है। तो कंपनी जो क्लेम करती है वो 300 किलोमीटर समथिंग में एक बार चार्ज करने पे, शायद मेरे ख्याल से यही वाला कॉन्सेप्ट है। तो मुझे नहीं लगता है कि 300 किलोमीटर एक बार चार्ज करने पे चल पाएगी या नहीं चल पाएगी, क्योंकि देखो इंडियंस राइडर जो हैं वो कभी कभी डबलिंग भी हो जाते हैं, कभी कभी सिंगल भी हो जाते हैं, तो ज़्यादातर लोग डबलिंग पे ही चलते हैं। तो डबलिंग पे चलने का मतलब यह है कि भाई देखो एक तो बाइक का वेट, दूसरा राइडर का वेट, फिर उसके बाद को पैसेंजर का वेट, तो ये मैटर कर जाते हैं। जब वेट बढ़ेगा तो भैया देखो ऑब्वियसली बात है कि लोड पड़ेगा और फिर उसको पावर उतनी चाहिए होगी, पावर ज़्यादा कंज्यूम करेगी, तो देखो उस तरीके से जो एवरेज बोलना चाहिए ना, एवरेज तो नहीं, जो उसकी रेंज है तो रेंज कहीं ना कहीं वो कम भी दे सकती है। तो ये चीज़ें देखने से ही पता चलेंगी। और बाकी भाई पेट्रोल की जो बाइक है, अरे भाई क्या बात है, TVS शक्ति पे भाई मेरा इस तरीके से लहराता हुआ जा रहा है, बिल्कुल फुल पावर फुल मस्ती ऑन में। सो मैं बता रहा था कि अभी तक देखो अभी तक मेरे को इशू कोई फेस नहीं करना पड़ा अभी तक, तो भैया देखो क्योंकि कई बार देखो मैंने इस चीज़ को फेस किया है और कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इरिटेशन दी है मेरे को इस बाइक ने, क्योंकि अगर आप पैसा ही पैसा लगाते रहो तो फिर उस बाइक का फ़ायदा ही क्या है। तो ये वाली चीज़ थोड़ी सी कहीं ना कहीं चुभने लग जाती है। तो मैंने सोचा था कि मैं इस बाइक को सेल आउट कर दूंगा, लेकिन फिर मैंने सोचा कि कोई नहीं, देखते हैं कि भाई थोड़ा सा पहले इसको एक बार और सही करवा के देख लेते हैं, जब इतना हमने पैसा लगा दिया है इसमें तो भाई एक बार और, क्योंकि जब कोई चीज़ आपको बहुत ज़्यादा प्यारी होती ना तो आप उसमें देखते नहीं हैं कि आपको कितना पैसा लगा रहे हैं, क्या है क्या नहीं है। तो वही चीज़ मेरे साथ थी कि भाई जिस बाइक से ज़्यादा लगाव हो जाता है ना, तो वो बाइक आपकी चाहे कैसी भी हो। तो आज ये निकल रही है रैली हैंडी कैंप लोगों की, तो काफ़ी सारे छोटे छोटे रिक्शे हैं तो लाइन में चल रहे हैं। अब इन लोगों का क्या वो है समाज। तो भाई भीड़ आप देख सकते हैं कुछ इतनी ज़्यादा है कि भैया बस पूछो मत कि कहाँ का ट्रैफिक है कहाँ का नहीं है। और अंकल प्लीज़ हेलमेट तो ज़रूर पहन के चलाइए। तो आजकल लोग बिल्कुल भी इन चीज़ों पर ध्यान नहीं दे रहे हैं कि हेलमेट वगैरह भी हम लोगों को चाहिए। सो गाइस बस यही वाली चीज़ है, देखो अगर आगे कोई भी इशू अगर आते हैं बाइक में, या फिर जिसके पास भी RS 200 है अगर वो ये सब चीज़ों को फेस करता है, इन इशूज़ को, तो उसका क्या क्या सलूशन है, ये सारी चीज़ों को मैं वीडियो में आप पूछ सकते हैं वीडियो के लिंक में जाके, और मैसेज कर सकते हैं कि कौन कौन सी चीज़ों से अपनी बाइक को सेफ रखा जा सकता है। तो इन सब चीज़ों को जानने के लिए स्टे वॉच स्टे ट्यून। सो गाइस थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, व्लॉग्स पसंद आ रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा।
मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। ओके, बाय बाय।